क्या आपने कभी साउंड प्रूफ हाईवे के बारे में सुना है? हालांकि विदेश में इस तरह की हाईवे हैं, वहां पर ये कॉमन है, लेकिन अब साउंड प्रूफ हाईवे भारत में भी है। भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे तैयार हुआ है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। 29 किलोमीटर का ये हाईवे है। इसे बनाने में 960 करोड़ रुपए की लागत आई है। खास बात इस हाईवे की ये है कि यहाँ पर गाड़ियाँ तेज रफ्तार से चलती हैं, हवा से बातें करती हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आती, मतलब कोई शोर गाड़ियों का नहीं। चलिए आपको इस हाईवे की खासियत सबसे पहले बताते हैं। सिवनी से नागपुर की ओर ये सड़क जाती है। सड़क काफी शानदार है। रोड के दोनों तरफ जंगल के नजारे आपको देखेंगे। अब सवाल कि आखिर साउंड प्रूफ हाईवे की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वो पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरता है। यहाँ पर जानवरों की आवाजाही रहती है। हाईवे से गुजरने के दौरान जानवरों के साथ साथ लोगों को भी खतरा हमेशा से रहा है। जानवरों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए इस साउंड प्रूफ हाईवे का निर्माण किया गया। हाईवे के नीचे जंगली जानवरों के गुजरने के लिए एनिमल अंडरपास है। ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं और नीचे कोई आवाज नहीं आती। इसके अलावा इस हाईवे पर काफी कुछ चीजें खास हैं। एक बार अगर आप यहां से गुजरेंगे तो बार बार यहां से आने का मन करेगा। इस हाईवे पर 3,145 मीटर लंबाई के 14 अंडरपास बनाए गए हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी आसानी से घूम सके, इसलिए इसका निर्माण हुआ है। हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की लाइट और उनकी आवाज पशुओं को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए 4 लेन सड़क के दोनों किनारे पर साउंड बैरियर और हेडलाइट रिड्यूसर लगाकर 4 मीटर की ऊंची स्टील की दीवार खड़ी की गई है। इस हाईवे पर एक भी गड्ढा नहीं है। कहीं भी आपको जरा सा भी जर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जहां पर भी अंडरपास होता है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पर एक जर्क होता है, लेकिन यहां पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसे पूरी तरह से तैयार होने में वक्त जरूर लगा है, लेकिन ये वक्त इसलिए लगा क्योंकि किसी भी सूरत में कोई जानवरों को परेशानी ना पहुंचे, इसका ध्यान हर एक मोड़ पर रखा जा रहा था।